नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर पार्ट 9, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन। गोवा में मडगांव के पास कोंकण रेलवे मार्ग पर बल्ली स्टेशन पर हुआ। इसकी कुल लागत 42 करोड़ रुपए है। इसका क्षेत्रफल जो है 81,300 मीटर स्क्वायर है। 2018 में चीन विश्व की सबसे लंबे क्रॉस सागर पुल का अनावरण करेगा, जो हांगकांग, मकाऊ और मुख्य भूमि चीन को जोड़ देगा। इसकी कुल लंबाई है 55 किलोमीटर। यह वर्ल्ड का सबसे लंबा सी ब्रिज है। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी करेंसी रेनमिनबी है। केरल ने नाटकीय फुटबॉल में पश्चिम बंगाल को हराया। संतोष ट्रॉफी जीत लिया केरल ने। भारत अब दुनिया का नंबर एक बादाम आयातक बना। 154 मिलियन पाउंड फरवरी तक आयात हुआ था। धोनी को भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार धोनी को 2 अप्रैल 2018 को मिला। 2 अप्रैल 2011 को ही भारत ने अपना दूसरा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। पैराशूट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल है धोनी। डिजवानी घोष को नैस्कॉम में नए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। नैस्कॉम का फुल फॉर्म है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसके चेयरपर्सन हैं रमन रॉय और नैस्कॉम का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। भारत और पाकिस्तान के बीच नई दिल्ली में आयोजित पीआईसी की बैठक हुई। पीआईसी का फुल फॉर्म है परमानेंट इंडस कमीशन। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया। मिनिस्टर ऑफ HRD प्रकाश जावड़ेकर ने यह खुलासा किया। 2017 का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज मिरांडा कॉलेज नई दिल्ली का बना। सॉफ्ट बैंक ने भारत में सोलर वेंचर स्थापित करने के लिए $930 मिलियन का डील किया। सॉफ्ट बैंक जापानीज बैंक है। इसके CEO और चेयरपर्सन माया योशी सॉन है। चाइनीज कंपनी कॉन्ग्यूमेरेट गोल्डन कॉन्क्रोडे को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सॉफ्ट बैंक का हेडक्वार्टर टोक्यो में है। मध्य प्रदेश के CM ने MPE नगर पालिका ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। PM की उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को 2 करोड़ के पार लागू मई 2016 में हुआ था उज्ज्वला योजना। इसका लक्ष्य है 5 करोड़ लोगों तक मुफ्त सिलेंडर 2019 तक पहुंचाने का। अभी तक 2 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर दिया जा चुका है। राजीव कुमार चंदर UNO में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए। फीफा ने पूर्व ग्वाटेमाला फुटबॉल एसोसिएशन FA अध्यक्ष ब्रायन जिमेनेज को आजीवन के लिए प्रतिबंधित किया। नासा ने सुपरसोनिक पैराशूट का परीक्षण करने के लिए एस्पायर को सफलतापूर्वक संचालन किया, जो मंगल पर उतरने के लिए इसके अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन को मदद करेगा। एस्पायर का फुल फॉर्म है एडवांस सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट। PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।